वेलकम। कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है। मुझे मारना चाहता है ना? ये सोचता है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है। सलार मूवी में प्रभास के साथ किस सुपरस्टार को साइन किया गया? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे। इन दिनों सलार मूवी खासा सुर्खियां बटोर रही है। अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। निर्देशक प्रशांत नील ने प्रभास स्टारर अपनी अपकमिंग फिल्म की मुहूर्त पूजा हैदराबाद में के बाद को मारने जा रहा हूं मैं। काफी बच इस फिल्म के मुहूर्त केजीएफ भूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। में एंट्री कर अपनी मौत की चीज कर उन सबको ये फिल्म को लेकर सामने एक बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के माने तो इस फिल्म में मास्टर फेम स्टार विजय सेतुपति की एंट्री हुई। फिल्मी गलियारों में इस बात काफी तेजी से चर्चा है कि मास्टर के धांसू रिस्पांस के बाद सलार के निर्माताओं ने विजय सेतुपति को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया। कहा जा रहा है कि विजय सेतुपति को मेकर्स ने नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया है, जिसमें वो सुपरस्टार प्रभास को सीधा सीधा टक्कर देने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि विजय सेतुपति भी इस किरदार को लेकर खासे एक्साइटेड है और वो इस फिल्म के लिए डेट्स भी अलर्ट कर चुके हैं। बता दें कि प्रभास स्टारर इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ 45 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद और बेंगलुरु में होनी। विजय सेतुपति को अपने हिस्से की शूटिंग के लिए महज एक महीने की डेट्स देनी है, जो वो फाइनल कर चुके हैं। हालांकि अभी इस खबर को लेकर निर्माताओं ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया, मगर फिर भी विजय सेतुपति की इस फिल्म की एंट्री की खबरें आग की तरह वायरल हो रही। इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट लीड एक्ट्रेस को लेकर भी अभी तक निर्माताओं ने कोई ऐलान नहीं किया, मगर बज है कि सलार के निर्माता अपने इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के लिए कैटरीना कैफ के नाम पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले इस फिल्म में दिशा पाटनी के नाम पर भी चर्चा हो चुकी है, मगर बाद में अदाकारा कैटरीना कैफ का नाम सामने आने लगा। यह एक मल्टीलैंगुअल फिल्म है, जिसे मेकर्स हिंदी, तमिल और तेलुगु के अलावा कई और भाषाओं में रिलीज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये फिल्म 500 करोड़ का बिजनेस करेगी? तुम्हारे पास अभी एक मिनट का वक्त है, मार दो मुझे वरना मैं तुम सबको मार दूंगा।